मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी। और भाई निवाले पहुंचा पहना को गांव तो जोहड़ में उसे तैरती चुटिया दिखाई दी। मेरी बेटी रोने लगी, आंसू बहाने लगे, कह लगी पापा कि आपका पुरुष कितना क्रूर होता है। उसकी गलती नहीं थी, उसकी जिंदगी में जो पहला पुरुष आया वो उसका पिता था। उसे सोचा पिता जैसा कोमल होता है, हर पुरुष ऐसा ही होता होगा। उसे सैकड़ों सवाल दागे मुझसे, मुझे पहली बार अपने पुरुष होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा नहीं, ये रोने का विषय नहीं है। यहाँ मेरी प्यारी भतीजियाँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ ये आंसू बहाने का विषय नहीं था। विनीत चौहान ने जो अपनी बेटी से कहा तो मैं आपसे भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। मैं राजस्थान से आता हूँ तो मेरी भाषा क्या होनी चाहिए, मैं किसी कॉलेज में खड़ा हूँ तो मेरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए। फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया, आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। लेकिन कल ऐसा ना कि फैकल्टी के लोग ये कहें कभी कभी लोग आए थे कि वह हंसा कर चले गए, कोई मैसेज छोड़कर नहीं गए। 3 मिनट 2 मिनट मेरे लिए मैसेज के साथ सही रहा। लोग एक परी फिर छली गई वैश्विक पापी हथियारों से, मैं आपके चेहर पर छपना चाहता हूँ, अपने दिलों पर हस्ताक्षर करना चाहता हूँ। लोग एक परी फिर छली गई वैश्विक पापी हथियारों से, वो किरण सूर्य की छली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूँ क्या इंसान इतना वैश्विक हो सकता है, जो हुआ उसे मैं गा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या इंसान इतना वैश्विक हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे हो सकता है। मैं शीश कटकर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। सिंह सर हम केवल एक ही बात के लिए दुनिया में जाने जाते हैं, हमने वासना को जीत लिया। मैंने सुना कि विवेकानंद जब शिकागो में भाषण दे रहे थे तो अचानक एक सुंदर युवती उनके सामने आई, कहले स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी का मुझसे शादी क्यों करना चाहती हूँ, कहले मैं चाहती हूँ आप जैसा दूसरा बेटा मुझे पैदा हो। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहा माँ तुम मुझे ही अपना पुत्र समझो। शिवाजी से कहा महाराज आपके बेडरूम के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा लाया हूं। शिवाजी ने तलवार निकाली, कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। उसके बाद गोहरबानों की तरफ देखा, गोहरबानों तुम बहुत खूबसूरत हो, पर काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना खूबसूरत होता। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, हम कौन थे और क्या हो गए अभी। आओ बेचारे बैठ कर हम ये समस्याएं सभी, हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। मेरी बात को ध्यान तक पहुंचे आप तक, हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। इस घटना पर शर्मिंदा है बैठे हैं सब नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूँ गली गली उन वीर वृति हनुमानों को, शायद मेरी बात यहाँ सुनी जाए। मैं ढूंढ रहा हूँ गली गली उन वीर वृति हनुमानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर। कर्पूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, मेरी एक ही चिंता है कर्पूर वासना पसर गई। प्रेम और वासना में थोड़ा सा अंतर है सर, इसे समझिएगा। प्रेम इबादत है, पूजा है, कृष्ण ने भी किया है, वासना से बचेगा। कर्पूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, तो कीर्ति पता का सूरज की खो जाएगी, तो कीर्ति पता का सूरज की खो जाएगी में। इसलिए निवेदन है मेरा दिल्ली के दरबारों से, इसलिए निवेदन है मेरा दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी है जो अलग अलग सरकारों से। मुझे कोई खुशी नहीं है सर कि उन चार लड़कों को फांसी दी गई, दिल्ली ने फैसला सुनाया चार लड़कों को फांसी दी जाती है। ये मेरा खुशी का विषय नहीं था, मेरा अफसोस का विषय ये था, 2.5 महीने की आड़ में उस 5वें दरिंदे को छोड़ क्यों दिया गया, जो सबसे ज्यादा क्रूर। हमने सरकार से पूछा, चले हमारे यहाँ कानून नहीं है, हम 17.5 साल के लड़के को फांसी पर नहीं लटका सकते, वो चाइल्ड कोर्ट में। मैंने कहा आपने उसे सिंगापुर क्यों भेजा,
सिंगापुर भेज दिया। केएल फाउंडेशन के बहुत प्यारे दोस्तों, मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ। मुझे उस दिन पहली बार लगा उन दरिंदों में और देश की सरकार में ज्यादा अंतर नहीं है। उन दरिंदों ने उसे सड़क पर फेंक दिया और सरकार ने उसे मरने के लिए सिंगापुर में छोड़ दिया। मैं एक वाक्य पर आपकी तालियों की मोहर देख, मैंने अभी तक नहीं कहा आप तालियां बजाएं। मैं एक कानून पढ़ना चाहता हूँ, आपको लगे मैं सरकार से ठीक मांग कर रहा हूँ। मैंने उस दिन ही कहा था आदरणीय, यदि आपके पास हॉस्पिटल नहीं है तो आप उसे सिंगापुर भेज सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ यदि आपके पास कानून नहीं है तो उसे दुबई के कानून के हवाले कीजिए। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के सरकारों से, जो कानून पढ़ रहा हूं मैं इस पर आपकी मोहर देखना चाहता हूं। युवा पीढ़ी की ओर तिरंगे लेकर खड़ी थी, मैं उस लड़कों के लिए कानून पढ़ रहा हूं। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के सरकारों से, अपने प्रांतों में बैठी है जो आंसू से उपजी सारी ललकारों को और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्या। जिस दिन दिल्ली अपना लेगी उस दिन दरिंदगी के केस दोबारा नहीं होंगे। लेकिन हम लोग वो हैं जिनके बेटों के सर कट के पड़ोसी मुल्क में चले गए, हमने उन्हें आज तक फांसी के रास्ते नहीं दिखाए, हम क्या इनके साथ फैसला करेंगे। हमारे बेटों के सर कटे वीडियो हमारी गवर्नमेंट के पास 10 महीने तक रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे भ्रम है, बहुत पढ़े लिखे लोगों के सामने अपनी बात कर रहा हूँ, वरना मैं कविता शायद नहीं भ्रम कुछ और पढ़ रहा होता। मैं चाहता हूँ ये युवा पीढ़ी जान सके हमारी राजनीति जा कहाँ रही है। हमारे बेटों के सर कटे और बिहार का एक कृषि मंत्री बयान दे रहा था कि ये बेटों को तो तनख्वाह मिलती है मरने के लिए, ये भर्ती तो इसलिए होते हैं। मैंने उसी दिन कहा था, हाँ हमारे बेटे मरने के लिए भर्ती होते हैं बिहार के नेताओं, तुम तो चरने के लिए भर्ती होते हो। तो और हथेलियों को रोक के बताना आपकी हथेलियां रुके और न रुके तो कृषि मंत्री के कान पर थप्पड़ की तरह आपकी तालियां महसूस हो। तुफैल लिखते हैं, सियासत का नशा सिंकों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैर जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ा है। चुनाव कर रहे हैं, माफ करिएगा साहब, 65 साल में कोई पार्टी नहीं हारी, हारी है तो सिर्फ इस मुल्क की जनता हारी है केवल 65 साल में। आपको जनता का मतलब समझना चाहिए, ये भाषा हिंदुस्तान में केवल विनीत चौहान की है। आपको जनता का मतलब समझना चाहिए, एक मौका लूट का हर दल को मिलना चाहिए और इनको चुनिए बच गए जो आज तक ईमानदार, इनके भीगण वेश पर जनदक्त लगना चाहिए, इनके भीगण वेश पर। छोटी कविता सुन ले कि सारे साधु संत नहीं है राजनीति की डोरी पर, मैं इशारा कर रहा हूं कैसे लोग संसद में चुनाव लड़ रहे हैं। सारे साधु संत नहीं है राजनीति की डोरी पर, अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर, गुंडे तस्कर चोर माफिया सीना ताने अड़े हुए और जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए, जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए, जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए। तो डॉक्टर नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में, एक इशारा समझे शायद समझ जाए तो मुझे सोचना नहीं करेगा कि डाकू नेता, मैं बहुत धीरे पढ़ूंगा इस लाइन को, अच्छी लगे तालियां बड़ी मिलेगा। डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में, डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में, कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में, कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में, कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में। सांप नेवले और भेड़िए एक दूजे के बीच मिले, क्या होने वाला है संसद में समझ लिया। सांप नेवले और भेड़िए एक दूजे के मित मिले, सारे सिंह मुलायम निकले मिमी आते सुनते तुमने, सारे सिंह मुलायम निकले मिमी आते सुनते मिले। कोई भी आदर्श नहीं है अब संसद की चुनाव जीत जाने को, कितने बड़े बड़े नेता आए दूसरी पार्टी के टिकट ले गए, क्या होने वाला है मैं इशारा कर रहा हूं। सांप नेवले और भेड़िए